नमस्कार दोस्तों, संगीता जोन में आपका स्वागत है। ये कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी नहीं, एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम आज साईं बाबा का रस बनाएंगे, उनकी पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक जाएगी शिरडी, शिरडी के साईं मंदिर में। तो इसके लिए मैंने जो चीजें खरीदी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, किस किस चीज की जरूरत है, कितनी जरूरत है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फैब्रिक लिया है और देखिए ये सिल्क का फैब्रिक है जो कि मैंने गांधीनगर से जाकर परचेज किया है और इसमें काफी कलर थे, येलो कलर भी था, रेड भी था, तो मैं मुझे ये वाला कलर पसंद आया ज्यादा। और ये इसका रेट था 70 रुपीज पर मीटर, तो मैंने ये लिया है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है बाबा की पोशाक के लिए 3.5 मीटर मतलब 3.5 मीटर के दो पीस बनेंगे, एक बाबा की समाधि के लिए और एक बाबा की मूर्ति के लिए। तो ये तो हो गया फैब्रिक। और इसके लिए मैंने, इसके बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर ये लेस लिया है, इससे चौड़ी भी अच्छी लगेगी लेकिन मुझे ये पसंद आई। और इसका जो रेट था वो था 190 रुपीज का, एक बंडल है जिसमें कि ये 9 मीटर का पूरा टोटल इसमें पूरा पैकेट आता है। इसमें मैंने ये लटकन लिया है, लटकन का भी यूज मैं दिखाऊंगी किस तरीके से इसको स्टिच करेंगे और इसका गेटअप किस तरीके से आता है। तो इसका भी सेम रेट था 190 रुपीज का, पूरा पैकेट था जो कि 9 मीटर का है। तो ये हो गई हमारी तीन चीजें। तो चलिए इसे हम अब तैयार करते हैं। तो इसे हमने कैसे रखना है, देखिए ये दोनों तरफ से ही अच्छा इसका गेटअप आ रहा है, तो इसमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सीधा कहाँ से है और उल्टा कहाँ से। तो मैंने इसको जो ये हमारी फ्री जो हमारा ये कोना है इसे हमने इस तरीके से अंदर को करना है, इसे बाहर को नहीं करना, इसे अंदर को फोल्ड करके अब हमें जो ये लटकन है सबसे पहले हम इसे रखेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से, और स्टार्टिंग के पॉइंट को हमने इस तरीके से फोल्ड करके जो हमारी ये लेस है इसे भी, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसे हमने इस तरीके से रखना है, ये देखिए, और इस तरीके से ही हमने इसे स्टिच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने इसे स्टिच करना है, देखिए पीछे से भी ये क्लीन है और आगे से भी। तो इस तरीके से हमने ये चारों तरफ से इसे तैयार करेंगे और देखिए बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बनेगी साईं बाबा की। तो जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये बनी है और बहुत ही सुंदर लग रही है, ठीक है।